मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दो दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हो गई। इसमें पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लड़ाई के लिए अपनी पूरी तैयारी पर विश्वास दिखाया। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म करते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि उसे इस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश मिलेगा। सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में कहा गया, प्रस्ताव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन की तैयारियों की पुष्टि करता है जो अप्रैल मई 2024 में होने वाला है। कांग्रेस पार्टी आगे की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसे विश्वास है कि लोग बदलाव चाहते हैं। हम कानून व्यवस्था, स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता और समता की उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। पार्टी की नवगठित सीडब्ल्यूसी की दो दिवसीय बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य सहित कई शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। वहीं बैठक के पहले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के जाल में न फंसने और लोगों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना और देश में एक वैकल्पिक सरकार बनाना है। इसके लिए हमें मेहनत से काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो देखा जाए जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव है फाइनल माना जा रहा है, उससे पहले सेमीफाइनल के लिए भी जो 3 राज्यों में चुनाव है उसके लिए लगातार कांग्रेस यहां पर तैयार होती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा कि क्या 2024 में कांग्रेस कुछ कमाल करके दिखा पाएगी। जिस तरीके से वादे राहुल गांधी कर रहे हैं, यहाँ पे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है उसके बाद बड़े बड़े वादे जनता की तरफ फेंके जाते हैं, तो क्या 2024 में जनता बीजेपी का हाथ थामेगी या इंडिया अलायंस का? और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।